एपी बराबर 3/7 एबी। देखिए 7 का इसमें गुना हो जाएगा तो 7 एपी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। 7 एपी बराबर 3 एबी। अब देखो 3 एबी जो है ना आपका, ए है बी है और यहाँ पे क्या हो गया पी है, तो एपी बराबर पीबी होगा ना जी, एपी बराबर पीबी होगा, एपी बराबर क्या होगा पीबी होगा, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ देखिए ए पी और यहाँ से पी से बी, एपी बराबर पीबी होगा, तो हम इसको कर लेते हैं 7 एपी बराबर यहाँ पे 3 एपी प्लस पीबी, 7 एपी बराबर। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एपी प्लस 3 पीबी, मतलब 3 से क्या होगा दोनों में गुना हो जाएगा, तो दोनों में गुना कर लेते हैं 3 एपी प्लस 3 पीबी हो गया। अब देखो यहाँ पर 7 एपी माइनस 3 एपी बराबर 3 पीबी, 7 एपी माइनस क्या हुआ, ये माइनस करेंगे घटेगा, दोनों बराबर का है, एपी है ये भी एपी है, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एपी 3 पीबी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए तो एपी बट्टा क्या हो जाएगा पीबी, अगर हम उसको इधर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एपी बट्टा पीबी बराबर, अब क्या हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इधर हो जाएगा एपी अनुपात पीबी ये वाला, तो हम लिख देंगे यहां ले लीजिए एपी अनुपात पीबी बराबर 3/4। नोट कीजिए इतना पहले ना कि बिंदु पी एक्स कॉमा वाई और बिंदुओं ए -2, -2 और बी, बी है आपका 2, -4 को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, x1 -2, y1 -2, x2 2, y2 -4, m 3, n 4, इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु P x, y का निर्देशांक x, y का निर्देशांक बराबर mx2 + nx1
x1 बटा m प्लस n कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा m प्लस n। m कितना है 3 गुणा माइनस टू सॉरी x2 कितना है 2 है प्लस n n 4 गुना माइनस 2 4 प्लस 3 प्लस 4 कॉमा फिर है m 3 गुना y2 माइनस 4 प्लस n 4 गुना y1 है माइनस 2 बटा 3 प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे 3 दुना क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 दुना 8 बटा 4 3 7 कॉमा है यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 माइनस 12 प्लस 4 दुना 8 माइनस 8 बटा 4 3 7 ये हो जाएगा आपका क्या 20। ये घटा देंगे तो माइनस 2 बटा 7 कॉमा ये हो जाएगा आपको माइनस 20 बटा 7।